कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। मुझे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना होगा। जल्दी लेवन, जल्दी प्लीज फोन उठाए मेरा, इससे पहले कि ताकिन आपको कोई नुकसान पहुंचाए, प्लीज फोन उठा ले। नहीं उठा रहे मेरा फोन। माफ करना, कॉल कुछ ज्यादा लंबी हो गई। कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी करने के लिए कुछ नहीं है। अभी से फिर से कंटिन्यू करें। आज मैंने वो किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। बहादुर को पता चला तो बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन कोई और चारा नहीं था। उस आदमी से मिलने गई मैं। कुदरत के बारे में लिखा है हुरिया। एक्सक्यूज मी, क्या कोई और पेज पढ़ना शुरू करें? प्लीज बहादुर, मुझे अंदाजा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं जितना जल्दी हो सके सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्या तुम इस बात पे मेरी हेल्प नहीं करोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या करना चाहती हो। ये आखिरी बार है, इसके बाद अकेले पढ़ लेना तुम। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। कुदरत से मिलने गई, इसके बावजूद कि वो बुरा और खतरनाक आदमी है, फिर भी मिलने गई। क्योंकि इफ्फी को ढूंढने में कुदरत मदद कर सकता है। इफ्फी को, इफ्फी लेवेंट का बेटा है ना? हाँ। ये क्या लिखा है हुरिया? कुदरत ने इफ्फी को ढूंढने के लिए भारी रकम का मुतालबा किया, मुझे वो रकम ऑफिस के अकाउंट से अदा करनी पड़ी। इंशाल्लाह इफ्फी के मिल जाने के बाद सबको सच बता दूंगी मैं। काश कि वो मिल जाए। वो सिर्फ लेवेंट का ही बेटा नहीं, हम भी उसे बेटे की तरह ही चाहते हैं। उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन यही तो वक्त है सबसे अहम हिस्सा लिखने का। कुदरत का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। बहादुर, अगर बुरा लग रहा है तो किसी और दिन पढ़ लेंगे। हुरिया, मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम्हारा गुनाहगार हूं। माफ कर दो मुझे।
खत्म हुआ, खत्म हुआ आयशा। हमारा इंतजार अब खत्म हो चुका है। आखिरकार उठाएं फोन लेवेंट प्लीज, ताकि इनके पहुंचने से पहले फोन उठाएं। तुम मुझे इस बार नहीं रोक पाओगे, इस बार सब कुछ सच बताकर खुद को और लेवेंट को तुमसे बचा लूंगी मैं। अभी तक मुझे कॉल्स क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी कॉल नहीं उठाऊंगा। क्या कहोगी इस बार तुम? तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मरियम मैं। हेलो, क्या बना? नहीं नहीं, भिजवा दो जल्द से जल्द। अपने प्यारों को बहुत अच्छे से सरप्राइज देंगे। हाँ ठीक है, चलो रास्ते में रहना। कई बार समझाया, तुमने सुना नहीं मरियम। अगर एक एक करके तुम्हारे प्यारों को खत्म कर दिया मैंने, तब तो मुझसे प्यार करना पड़ेगा। तो उमर से शुरू करते हैं, खेल शुरू किया जाए। खुदा करे कि लेवेंट ऑफिस में ही हो। तुम यहां पर क्या कर रही हो? लेवेंट, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता मरियम, चली जाओ और दोबारा कभी कॉल मत करना। मुझे एक मौका दे, बस एक मिनट के लिए मेरी बात सुन ले, फिर चली जाऊंगी। चली जाओ? नहीं, नहीं जाऊंगी बात किए बगैर। और आप बात सुनेंगे, क्योंकि आपको सुननी पड़ेगी। समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करूं, सब सच कैसे बताऊं आपको, लेकिन ये बात मेरे और ताकीन के बारे में है। ताकीन और मैं। तुम और ताकीन? क्या मैं? मरियम, मुझे बहुत अफसोस हुआ। डॉक्टर ने बताया तुम्हारे बच्चे की जान नहीं बचा पाए। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? कैसे हिम्मत कर ली? मेरा सामना करने की हिम्मत, शर्म से मर क्यों नहीं गई तुम? और मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारे और ताकिन के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, कुछ नहीं। नहीं, मैं ताकिन से। और ताकिन क्या? मरियम क्या? जो दिख रहा है वो सच नहीं। तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगा? क्यों? तुम झूठ बोलती रहो और लेवेंट यकीन कर ले। वाकई में झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं आपको सब कुछ सच बताने के लिए आई हूं यहां। बहादुर, तुम ठीक हो? पानी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? डायरी पढ़ते हुए अचानक क्या हो गया? हुरिया, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में गलत कैसे सोचा?
लेवन साहब 16 साल के लिए जेल चले गए हैं, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं जा सकते। एस्ली, जिन लोगों ने कुदरत का कत्ल किया वो मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं। बहादुर साहब, कुदरत कारा क्या? एस्ली खामोश मत रहो, बताओ। बहादुर साहब, वो आदमी घर पर भी आ चुका है, बल्कि लेवन सर से मिलने के लिए आया था। वो तो हुरिया साहिबा उसका तारुफ किसी माली के तौर पर करवा रही थी, लेकिन लेकिन क्या एस्ली? बात यह है कि वो आदमी माली नहीं था। बल्कि मैंने तो उसको और हुरिया साहिबा को एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हुए देखा था। मुझे लगता है वो लोग एक दूसरे को चाहते हैं। क्या? ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करो रहने दो, नहीं पढ़ो। अफसोस हो रहा है कि मैंने ही तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर किया। हुरिया, तुम्हें उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी मेरी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मैंने। क्या मतलब, समझी नहीं मैं। बाद में बात करते हैं इस बारे में, मुझे इस वक्त अकेले रहने की जरूरत है, माफ करना। सब कुछ बताना चाहती हूं, वाकई में इस बार खुद को बचाने के लिए क्या झूठ बोलोगी तुम मरियम? झूठ नहीं, इस बार सिर्फ और सिर्फ सच बोलूंगी मैं। सिर्फ सच? सच? सच तो मेरे सामने है मरियम। मैं तुम्हारे साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहा था और तुमने उस आदमी के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत हो गया, मैं तुम्हारी अब किसी बात का यकीन नहीं करूंगा। मरियम, बेहतर होगा कि मुझे तंग करना छोड़ दो। तुम चली जाओ यहां से मरियम, अपनी जिंदगी को दुखी बनाकर मेरे सामने पेश करोगी। कि ताकिन ने जबरदस्ती तुमसे शादी कर ली, खुद को मजलूम पेश करोगी। वो दिन चले गए मरियम, चले गए वो दिन। अब तुम सिर्फ एक कुलीग हो जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ नहीं है। यहां क्यों खड़ी हो अब तक? चली जाओ यहां से, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। चली जाओ। क्या तुम सुन रही हो मरियम? यहां से चली जाओ।
चली जाओ यहां से। तुम्हारी कही हुई किसी बात का यकीन नहीं है मुझे। मैंने कहा चली जाओ। दफा यकीन किया तुम पर, हर दफा अपनी उम्मीद जिंदा रखी। कुछ दिन पहले तक मैं ये समझता रहा कि मरियम मुश्किल में है, उसे मेरी सख्त जरूरत है। लेकिन अब सब खत्म। सब खत्म मरियम, सब खत्म। मुझे अपने झूठ पर यकीन नहीं दिलवा सकती। उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं रहा। सच भी बताऊंगी तो यकीन नहीं करेंगे। अब क्या करूंगी मैं? उन्हें तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं है। मरियम, क्या कर रही हो यहां? यहां आने की इजाजत तुम्हें किसने दी? बताओ मुझे, क्या कर रही हो यहां? लेवेंट से मिलने आई थी। खामोश क्यों हो? जवाब दो मुझे। मरियम बताओ, हाँ क्या हुआ? आओ मेरे साथ, चलो चलो ऑफिस में। खुशामदीद दुगान। शुक्रिया नेहरू। आयशा कहाँ है? बीमार है, आज नहीं आई। क्या वाकई हुआ? क्या है उसे? कुछ खास नहीं हुआ, बस सिर्फ सर में दर्द था। क्या हुआ, उल्टी हरकतें करते फिर रहे हो? कल भी अचानक चले गए थे। हाँ नहीं नहीं ठीक हूं मैं। कह तो रहे हो लेकिन तुम्हारा चेहरा तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रहा। कुछ नहीं हुआ नेहरू, कुछ नहीं हुआ। बस आजकल मूड अच्छा नहीं रहता, न जाने इस बार मेरे साथ क्या होगा। क्या कह रहे हो, खुलकर क्यों नहीं कहते? साफ साफ कहो। अरे कुछ नहीं नेहरू, परेशान मत हो तुम। चाय ताजा बनी हुई है, ला दूं? नहीं नहीं मैं चलता हूं। कहां जा रहे हो? आयशा को देखने जा रहा हूं, बस दरवाजे से पूछकर आ जाऊंगा, हो सकता है उसे किसी चीज की जरूरत हो। दुगान बैठ जाओ, क्या कर रहे हो? हर वक्त उसका तवाफ करते रहते हो। देखो अगर सफिया को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेगी वो तुम पर। तुम संभाल लेना नेहरू, वहां जाए बगैर नहीं रह पाऊंगा। दुगान बैठ जाओ, बिल्कुल मत जाना। थोड़ी देर बैठो और फिर सफाई शुरू करो। नहीं नहीं नेहरू, देखो मुझे जाना ही होगा। रुको दुगान, दुगान बात सुनो, मैं कह रही हूं मत जाना। ए लड़की, सफाई अब तुम करोगी। जी अच्छा। मुझे फौरन जवाब चाहिए, क्या करने आई हो यहां?
हाँ तुम हाल तो देखो जरा अपना, परेशान हाल लग रही हो, क्या हुआ? लेविंट ने बात नहीं सुनी क्या? हाँ क्या यही वजह है कि तुमने अपनी ये हालत बना ली है? हाँ मरियम, कब तक खुद अपनी बेइज्जती करवाती रहोगी? हाँ वो आदमी तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनना चाहता, समझ नहीं रही? मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई नहीं है और तुम्हारे पास इसका कोई हल नहीं, यानी मुझे चाहने के अलावा कोई चारा नहीं। लेविंट के साथ रिश्ता खत्म क्यों नहीं समझ रही हो? ठीक है खामोश बैठी रहो, लेकिन जल्द ही बोलना शुरू कर दोगी। हेलो यासिर भाई। मरियम मैं उमर को स्कूल से लेने आया हूँ लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा, सोचा सबसे पहले तुमसे पूछ लूँ, क्या उमर तुम्हारे साथ है? नहीं नहीं वो मेरे साथ नहीं है। बुरी खबर लगता है पहुँच गई। देखे प्लीज हर तरफ देखे, गौर से देखे, मेरे भाई को ढूंढे वहीं कहीं। ठीक है ढूंढता हूँ उसे, हो सकता है वहीं हो, मुझे नजर नहीं आया हो, मैं फिर से देखता हूँ। ठीक है भाई, जैसे ही पता चले मुझे बताइएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। कल जो तुमने मेरे साथ किया वो पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा, तुम्हें उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये याद रखो कि तकलीफ तुम्हें नहीं दूंगा मैं। लेविंट ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। सब इतना बिखरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं हुआ मैलिस, कुछ नहीं। सवाल मत करना प्लीज। ठीक है नहीं करती, तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूं, अच्छा फील करोगे। कहाँ है उमर? हाँ? तुम्ही ने कुछ किया है ना, तुम्ही ने अगवा किया है ना उसे, मेरे भाई को अगवा कर लिया तुमने। क्या हुआ डर गई हो? हाँ क्या हुआ है? उमर गायब हो गया क्या? हाँ देखो तो बच्चा नहीं संभाल सकते। कहां पर है मेरा भाई, जवाब दो। देखा जानता था मैं, बुलबुल की तरह बोलना शुरू कर दोगी जैसे ही खबर मिलेगी तुम्हें, बहुत अच्छे से जानता हूं तुम्हें। ताकीन ये बताओ कहाँ है मेरा भाई? अगर मैं तुम्हें फौरन बता दूंगा तो मजा कैसे आएगा, थोड़ा सब्र करो। ताकीन ऐसा मत करो, बता दो मुझे। ठीक है फिर मैं पुलिस को सब कुछ बता देती हूँ। हम दोनों जानते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इसी वक्त फोन वापस बैग में रख दो। अभी मेरे साथ तुम ये तमाशा नहीं कर सकती, ये खेल मेरे उसूलों के मुताबिक खेला जाएगा। क्या चाहते हो, चाहते क्या हो तुम मुझसे? पहले तो रिलैक्स हो जाओ।
और मुझसे तमीज से बात करो, और अगर तमीज से बात ना की तो नुकसान उठाओगी। देखो अभी तक फोन नहीं बजा तुम्हारा। हाँ, कौन जाने बेचारा तुम्हारा भाई इस वक्त कहां होगा, न जाने वो क्या कर रहा होगा, मदद का इंतजार कर रहा होगा। वो नहीं जानता कि उसकी मदद कौन कर सकता है, मैं। ताकीन, देखो प्लीज उसे कोई तकलीफ मत पहुंचाना, मिन्नत कर रही हूं मैं तुम्हारी, बताओ कहां है मेरा भाई। वो मासूम बहुत छोटा है, डर गया होगा बहुत। देखो तुम रिलैक्स हो गई हो, तमीज से भी बात करने लगी हो, क्या तुम्हारा रवैया मेरे साथ ऐसा नहीं रह सकता? ताकि खुदा के लिए बताओ कहां है मेरा भाई। बेबसी में बहुत दिलकश लग रही हो। तुम नहीं बताना चाहते ना, मैं खुद ढूंढ लूंगी उसे। मरियम, एक बार फिर वही, तुम जो जज्बात में आकर फैसला करती हो, तुम्हारी मुसीबतों की बस यही एक वजह नजर आती है। क्या करोगी, इस्तांबुल में इधर उधर घूमकर अपने भाई को ढूंढोगी? हां तो जरूर जाओ, दरवाजा वो रहा, देखता हूं कैसे ढूंढ पाती हो। जमील कहां हो तुम? बाहर हूं, बस थोड़ी देर में आयशा से मिलूंगा। तुम्हें बताया था ना प्रपोज करना है उसे। हाँ, अगर मेरी जरूरत है तो मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तो बस जानना चाह रहा था, तुम परेशान मत हो, एंजॉय करो तुम। असल में मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था कि आज मैं आ नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मेरी जरूरत है तो मैं आ जाऊंगा। जरूरत नहीं पड़ेगी जमील, असल में मरियम के बारे में बात करना चाहता था। उम्मीद है सब खैरियत होगी, आयशा के पहुंचने में थोड़ा वक्त है। तुम बता सकते हो? मरियम आज यहां मेरे पास आई थी, मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। न जाने इस बार कौन सा झूठ बोलने वाली थी वो, मुझे उसकी मौजूदगी बर्दाश्त ही नहीं है जमील। लेवेंट, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। लेवेंट बात सुनो मेरी, कभी सोचा है तुमने? शायद तुम्हें डर है कि मरियम ने तुमसे जो कुछ कहा है कहीं वो सच ना हो। क्योंकि अब तक जो भी कुछ हो चुका है उसका साथ देने की तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। ताकिन खुदा का वास्ता है, मेरा भाई जहां भी है मुझे बताओ, अपने आदमियों से कहो कि उसे प्लीज वापस छोड़ दें। मरियम रिलैक्स हो जाओ, हल है इसका, परेशान मत हो। इस दुनिया में सिर्फ मौत का कोई हल नहीं है, उसके अलावा हर चीज का कोई ना कोई हल मौजूद है मरियम, ठीक है? हेलो, काम हो गया, छोड़ दो बच्चे को। देखा जान, तुम्हारा शौहर वो करता है जो तुम करने का कहती हो, तुम्हें बस रिलैक्स होने की जरूरत है, ठीक है? कहां है उमर, कहां छोड़ेंगे उसको? सब्र, सब्र सीखने की भी जरूरत है तुम्हें, आओ बैठो, चलो। ये क्या पागलपन है, क्या उस लड़की के इतनी औकात है कि उसके लिए खुद को तकलीफ दे रहे हो जो तुम्हारे करीब नहीं आना चाहती?
लेवेंट, कॉफी ले आई हूं। वैसे परेशानी और स्ट्रेस में कॉफी पीना अच्छा होता है, फिर इंसान रिलैक्स हो जाता है। शायद तुम्हें डर है कि मरियम ने तुमसे जो कुछ कहा है कहीं वो सच ना हो। ठंडी हो जाएगी, पी लो जल्दी। उमर को घर पहुंचा देंगे? बताओ मुझे उमर कहाँ है और उसे कहाँ छोड़ेंगे? हाँ हेलो, उमर मिल गया आपको? मिल गया मरियम, मिल गया। तुम परेशान मत हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या कह रहा है, कहाँ था? किसी आदमी से बात कर रहा था, शायद उसके दोस्त के वाली थे वो। खैरियत पूछ रहे थे उससे, दोनों स्कूल के कैंटीन में बैठकर बात कर रहे थे। ठीक है भाई, अब आपने उमर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। देखिए कुछ भी हो आप मुझे फौरन बताइएगा। हाँ हाँ बताऊंगा। मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया, माफ करना। जब मिला नहीं तो मैं समझा कि वो तुम्हारे पास है। कोई बात नहीं भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। देखा, दो मिनट में तुम्हारा भाई मिल गया। अगर इतनी ही जल्दी उसे दोबारा खोना नहीं चाहती हो तो अकल से काम लो। अगर दोबारा कभी हमारे बारे में किसी को बताना चाहा तो तुम्हारे भाई की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। इंशाल्लाह तुम कहीं नहीं गई होगी, घर पर ही होगी। उम्मीद है उस आदमी से नहीं मिली होगी तुम। नाम भी तुमने पहले रखा हुआ है ताकि हम बेवकूफ बनते रहें। मुझे मालूम था, जानता था ऐसा ही होगा। हूरिया ने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बीवी मासूम थी। ऐसली की बात का यकीन क्यों किया? अल्लाह गारत करे, हूरिया को मुजरिम समझ लिया, नफरत करता रहा। उसकी बीमारी के दिनों में उसे अकेला छोड़ दिया मैंने। यूं ही इल्जाम लगा दिया, हालांकि कुदरत से मुलाकात इफ्फी की वजह से हुई। बीवी को धोखा दिया, वो भी प्यार करने वाली बीवी को, अपने प्यार को धोखा दिया। असली तुम्हारी गलती थी,
बेवकूफ बनाती रही मुझे। कहने को तो सिर्फ एक डायरी थी लेकिन खूब काम कर गई। ये इसलिए इफ़्फ़ी को ढूंढने में कुदरत मदद कर सकता है। मसला हल हो गया, बहादुर मासूमियत पर फिदा हो जाएगा। कुर्बानी देना किसे कहते हैं। ये देखकर बीवी से दोबारा प्यार हो जाएगा। लिखने में मेहनत तो बहुत हुई लेकिन देखो जरा, अल्फाज की ताकत को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरा प्यारा शौहर सारे इल्जाम से परी कर दिया, अब पछतावे से पल पल मर रहा है। सब के सब बहादुर की तरह अब इसी तकलीफ से गुजरेंगे। जिस जिसने भी मेरे साथ बुरा किया है हिसाब तो देना ही पड़ेगा। जान चलो कुछ पी कर आते हैं, तुम तो बहुत जद दिखाई दे रही हो थोड़ी सी तब्दीली से ही। आओ बेहतर फील करोगी। यही मंगवा लो। कभी तो ऐसा हो कि बगैर एतराज किए कोई बात मान लो। खुशी खुशी चलो। बहुत अच्छे, चलो। लेवेंट, कम से कम कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है? बात करो मुझसे, शायद कि कोई हल निकाल पाऊं मैं। अपने रूम का ये हाल क्यों किया है बताओ मुझे। बात नहीं करनी मुझे मेलिस, प्लीज मजबूर मत करो। मरियम आई थी। मैं बाहर जा रहा हूं। मगर वो क्यों? ताजा हवा लेने। रुको लेवेंट, मैं भी चलती हूं। मरियम और मैं बस कुछ पीने जा रहे हैं। हाँ हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। गुड बाय लेवेंट, गुड बाय। मेरी जान, कॉफी के साथ क्या तुम केक खाना पसंद करोगी? मीठा खाना चाहता हूं। केक और कॉफी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चलो। बादशाह का बुरा सिपाही महल वापस लौट आया। कहने लगा, शहंशाह गांव में बहुत खूबसूरत लड़की है, एक नौजवान को चाहती है। वो इतनी खूबसूरत है कि उसे तो सिर्फ एक शहंशाह की बीवी बनना चाहिए। क्या वो उस लड़की को अपने साथ ले जाएंगे? देखते हैं। इतनी खूबसूरत लड़की को तो महल में होना चाहिए। हुक्म दें ताकि उसको उठा के यहाँ ले आए। बादशाह को ख्याल पसंद आया, कहने लगा, अभी अभी ले आओ उसे फौरन। क्या वो लड़की को ले गए थे? हुरिया साहिबा, क्या आपने बहादुर साहब को कहीं देखा है? मैं उनके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा। हो सकता है वो बाहर गार्डन में हो। वहाँ नहीं देखा था, अभी जाकर देख लेती हूँ। फिर क्या हुआ? बादशाह के आदमी लड़की को महल ले आए। बादशाह लड़की की खूबसूरती देख के हैरान रह गया, चाहने लगा उसे। उस लड़की से उसकी मर्जी के बगैर शादी कर ली। बस क्या ये कहानी खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई, रुको आगे सुना रही हूँ। खूबसूरत लड़की उदास रहने लगी, इतनी उदास कि उसे महल में कुछ भी ना ही पसंद आता था और ना ही उसका दिल लगता था उस महल में।
देखो सफिया, कौन सा इंसान थोड़ी सी रकम के लिए चोर कहलवाना पसंद करेगा? अरे खामोश हो जाओ, वो सुन लेगी। तो अच्छा है सुन ले, शुक्र है हमने पुलिस नहीं बुलाई। चलती हूँ सफिया आपा। क्यों बेटी, क्या हुआ? अचानक जाने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन जाना बहुत जरूरी है। खैरियत तो है, ऐसे अचानक? हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, आपने सहारा दिया मुझे। क्या कह रही हो बेटी, हमने क्या किया? ठीक है बेटा, तुम अगर जाना चाहती हो तो हम कैसे रोक सकते हैं? मीने देखो बेटी, मैं एक नसीहत करती हूँ, जो यहाँ किया वो कभी कहीं और करने की जुर्रत नहीं करना, ठीक है? क्या किया मैंने ऐसा आपा? अरे कुछ नहीं किया, इसकी बातों को तुम दिल पे मत लो, जाने दो। चलो ठीक है, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। कैसे भूल गई यार।